दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है। पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और बाद में मुंबई के ताज लैंड्स होटल में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे ने चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि BJP के केंद्रीय नेतृत्व और महाराष्ट्र नेतृत्व के साथ यह चर्चा सिर्फ मनसे को महागठबंधन में लेने तक सीमित नहीं है। राज ठाकरे को साथ लेने के पीछे एक बड़ी रणनीति है। सूत्रों के मुताबिक BJP ने राज ठाकरे के सामने 3 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प है कि MNS का शिंदे की शिवसेना में विलय कर राज ठाकरे शिवसेना का नेतृत्व करें, यानी शिवसेना की कमान राज ठाकरे के हाथों में दिया जाए और उन्हें शिवसेना अध्यक्ष बनाया जाएगा। दरअसल एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना में फूट पड़ गई। चुनाव आयोग ने शिंदे के हाथ में शिवसेना की कमान सौंप दी। सूत्रों के अनुसार शिवसेना और राज ठाकरे को भी साथ लेने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन फिलहाल राज ठाकरे ने तत्काल सहमति देने से इनकार कर दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि वह शुरुआत में अन्य विकल्पों पर चर्चा करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि शिंदे की बगावत के बाद भी राज ठाकरे के नाम की चर्चा हुई थी, हालांकि उस समय कुछ नहीं हुआ। जब शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जीवित हैं, तब राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी। राज ठाकरे ने उस समय कहा था कि मेरा विवाद विट्ठल से नहीं बल्कि उनके आसपास के बड़ों से है, और अपने बाद के भाषण में उन्होंने बार बार कहा कि उद्धव ठाकरे के कारण ही उन्होंने शिवसेना छोड़ी। फिलहाल शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल चुकी है। शिवसेना का नेतृत्व मुख्यमंत्री शिंदे कर रहे हैं। राज ठाकरे के सामने जो प्रस्ताव रखा गया है उसका मकसद ये है कि शिवसेना किसी और ठाकरे के हाथ में चली जाएगी। पहला सवाल यह है कि अगर मनसे का शिवसेना में विलय हो गया तो शिंदे गुट का क्या होगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या राज ठाकरे इतना बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि बाला साहेब को छोड़कर MNS बनाने के बाद राज ठाकरे के लिए यह उनके राजनीतिक जीवन का दूसरा बड़ा फैसला होगा। राज ठाकरे 18 साल से मनसे का नेतृत्व कर रहे हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर सहमत होंगे। वर्तमान में शिंदे शिवसेना के प्रमुख नेता के रूप में शिवसेना का नेतृत्व कर रहे हैं। अगर मनसे का विलय कर राज ठाकरे को शिवसेना अध्यक्ष का पद देने का प्रस्ताव आया तो क्या शिंदे राज ठाकरे का नेतृत्व स्वीकार करेंगे। चौथा सवाल ये है कि क्या शिंदे के विधायक मानेंगे। एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक और 13 सांसद हैं। क्या ये सभी इस बात पर सहमत होंगे कि शिवसेना को राज ठाकरे के हाथों में जाना चाहिए। सबसे बड़ा पांचवा सवाल यह है कि राज ठाकरे के हाथ में और शिंदे के हाथ में कौन सी शक्तियां होंगी। अगर शिवसेना की कमान राज ठाकरे के हाथ में चली गई तो राज ठाकरे के पास पार्टी में क्या अधिकार रह जाएंगे और एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होगी और उनके पास कितने अधिकार होंगे।